सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रॉबेरी के प्लांट को नर्सरी से लाके कैसे ग्रो करें उसका प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो कुछ स्ट्रॉबेरी की ऐसी वैरायटी होती हैं जो कि समर में भी फ्रूटिंग करती हैं, तो आप इस टाइम अगर आपके एरिया में इस तरह की स्ट्रॉबेरी के प्लांट मिल जाते हैं तो आप ज़रूर से बाई करिए। विंटर के स्ट्रॉबेरी के प्लांट को अक्टूबर नवंबर में ग्रो कर लिया जाता है और इसी टाइम आप सीड से भी इनको ग्रो कर सकते हैं, तो ये आपको अप्रैल तक फ्रूटिंग करके देते रहते हैं। तो समर वाली स्ट्रॉबेरी को आप फरवरी मार्च में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये आपको जून जुलाई तक भी आपको फ्रूटिंग करके देती है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जो भी आप प्लांट ले रहे हैं वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए। इस तरह का पॉलीबैग वाला छोटा सा प्लांट है वो आपको बहुत ही फ्रेश दिखाई देगा, तो इसी तरह के प्लांट आपको लेने हैं ताकि आप जैसे ही प्लांट को पॉट में लगाते हैं तो ये ग्रोथ लेना शुरू कर दे। नर्सरी में आपको इतने बड़े साइज़ का जो प्लांट है वो आपको 50 रुपये से लेके 80 रुपये का मिल जाएगा। ये मुझे 50 रुपये में मिला है। तो चलिए अब हम इनके लिए सॉइल मिक्स की बात कर लेते हैं। सॉइल मिक्स में हमें इनके लिए 30% गोबर की खाद, 50% सॉइल और 20% सैंड वाला सॉइल मिक्स लेना है। आप सॉइल मिक्स में कोको पीट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हर प्लांट को बिना कोको पीट के यूज़ करता हूँ, तो आपको इस तरह की सॉइल मिक्स बनाना है जैसा मैं बना रहा हूँ, और इस तरह के सॉइल मिक्स में भी आप स्ट्रॉबेरी को ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस प्लांट को पॉट में शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लांट आपने लिया है इसको पॉलीबैग से निकालने के लिए आपको इस पॉलीबैग को काट के हटा देना है ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो ख़राब ना हो। आपको पूरी तरह से प्लांट को निकालना है मिट्टी सहित। पॉलीबैग से प्लांट को निकालने के बाद आप देख सकते हैं प्लांट में बहुत ही अच्छी रूट्स हैं और बहुत ही हेल्दी हमारा प्लांट है। तो इसी तरह से जब आप पॉलीबैग वाला अच्छा प्लांट, हेल्दी प्लांट लेके आते हैं तो वो ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से करता है। तो चलिए अब हम इसको पॉट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो पॉट में शिफ्ट करने के लिए हमें पॉट में बीचों बीच जगह बना लेनी है ताकि हम इस तरह से इस प्लांट को लगा सकें। तो स्ट्रॉबेरी के प्लांट को रखने से पहले हम एक मुट्ठी नीम की खली लेंगे। नीम की खली इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है और एक तरह से फर्टिलाइज़र का भी काम करती है, तो इसे हमें गड्ढे में बीचों बीच डाल देना है ताकि हमारे प्लांट के पॉट में चींटी या किसी भी तरह का इनके रूट्स में डिसीज़ नहीं होगा। अब हम इस प्लांट को पॉट में बीचों बीच इस तरह से रख देंगे और फिर उसके बाद इसको मिट्टी से चारों ओर से कवर कर देंगे। अब हम इस प्लांट को अच्छे से पानी दे देंगे। पहली बार हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना होता है और एक्स्ट्रा वाटर आप देख सकते हैं इसके बॉटम के होल से निकल गया। इस तरह की सॉइल मिक्स से हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। और अब हम इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे ही रखेंगे। स्ट्रॉबेरी के प्लांट को रिपोर्ट किए आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो प्लांट है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करने लगा और साथ ही साथ इसमें अब फ्लावरिंग भी होने लगी। जैसे ही इनमें फ्लावरिंग होने लगती है आपका जो प्लांट है वो फ्रूटिंग करना शुरू कर देता है। तो हमारा जो प्लांट है बहुत ही ज़्यादा बुशी हो रहा है, आप देख सकते हैं हमने जो सॉइल मिक्स बनाई है उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इनकी सॉइल मिक्स में मैं थोड़ी थोड़ी गुड़ाई भी करता रहता हूँ, तो लगभग आप 10 दिन पर एक बार इनके पॉट में गुड़ाई ज़रूर से कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं ये मेरा एक दूसरा स्ट्रॉबेरी का प्लांट है जिसमें फ्रूटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है। तो इस प्लांट को मैंने थोड़ा पहले लगाया था इसलिए इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट होते हैं बहुत ज़्यादा हाइट में बड़े नहीं होते हैं, इसी तरह से इनके प्लांट ग्रो होते हैं और ये धीरे धीरे करके फैलते जाते हैं। तो इन प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं, ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी का कुछ इस तरह से फ्लावर आता है और उसके ऊपर छोटा सा फ्रूट भी होता है। तो इस प्रोसेस को होने में लगभग 20 से 25 दिन का टाइम लगता है, उसके बाद आपका जो फ्रूट होता है वो हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो लगभग 3 दिन बीतने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो स्ट्रॉबेरी है वो पक चुका है। पूरी तरह से पकने के बाद आप इनको हार्वेस्ट कर लीजिए ताकि इनके जो पॉट में जितने भी और भी नई फ्लावर आ रहे हैं या फ्रूट आ रहे हैं उनको ग्रोथ होने के लिए एनर्जी मिल सके। तो जैसे जैसे आपके स्ट्रॉबेरी के प्लांट पे फ्रूट पकते जाएं आप उनको हार्वेस्ट करते जाइए। तो चलिए मैं इन दोनों पके हुए स्ट्रॉबेरी को हार्वेस्ट कर लेता हूं। तो जब आप अपने आप से खुद से प्लांट को ग्रो करते हैं और उससे फ्रूट को हार्वेस्ट करते हैं तो इसकी खुशी बहुत ही अलग होती है और देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी सा
स्ट्रॉबेरी है, और इसके ऊपर जो आपको पॉइंट्स जैसे दिख रहे हैं ये सारे इनके सीड्स होते हैं। आप इनके सीड्स को भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो जिस प्लांट को मैंने आपको रिपोर्ट करके दिखाया था उसे आज पूरे 40 दिन हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं हमारा जो स्ट्रॉबेरी का प्लांट है उस पर बहुत सारी स्ट्रॉबेरी लग चुकी है। आप कहीं भी आप देखेंगे तो चारों ओर आपको बहुत सारी स्ट्रॉबेरी दिखाई देगी। तो ये सारे फ्लावरिंग होने के बाद फ्रूट बनने लगे हैं, और हमारे प्लांट पे बहुत सारी फ्रूटिंग होने वाली है। आप देख सकते हैं ये छोटी बड़ी हर तरह की स्ट्रॉबेरी ग्रो हो रही है। इधर साइड आप देख सकते हैं अंदर की ओर भी, तो बहुत सारी स्ट्रॉबेरी हैं हमारे प्लांट पे। आपको ध्यान रखना है कि आप इनको लगभग 15 दिन पे एक बार गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइज़र भी इनकी मिट्टी में चारों ओर देते रहिए। आप एक मुट्ठी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अगर आप देते रहते हैं और फिर उसके बाद इनकी ग्रोथ आप देखेंगे बहुत ही अच्छी होगी। तो जैसा कि इस टाइम समर स्टार्ट हो चुका है और गर्मी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर भी बहुत हो रहा है, तो आप अपने प्लांट को थोड़ा सा शावर भी कर दिया करिए। वाटर शावरिंग करने से आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा, हेल्थी रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी के प्लांट को ग्रो करने का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।